हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार तिवारी तिवारी लॉजिक चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज रीजनिंग के एक टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक क्लॉक, सभी के हैंड में क्लॉक रहता है। अब तो लगभग मोबाइल आ गया तो क्लॉक का मार्केट ही डाउन हो गया है। क्लॉक बहुत कम ही लोग रखते हैं, लेकिन स्टूडेंट और ऑफिसर्स जो है, जो ऑफिस में जॉब करने वाले लोग, उन लोगों के पास तो रहता ही है। तो उस क्लॉक बेस पे क्वेश्चन आता है कि मानते कोई टाइम देगा और उसको कहेगा कि 2:40 हो रहा है, तो इसके बीच दोनों घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, इस बेस पे क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग को अब राजत ने कि कैसे करें क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन की डील कैसे करें, तो उस बेस पे ही हम देखेंगे। कभी कहता है कि 2 और 3 बजे के बीच में कितने बजे घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के संपाती होगी, यानी एक दूसरे के ऊपर होगी। कभी कहेगा कितने बजे एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी, कभी कहेगा कितने बजे समकोण पे होगी। तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे क्लॉक पे। तो एक क्लॉक पे स्टार्ट करते हैं घड़ी। तो ये देखिए, हमने ड्रॉ कर दिया है घड़ी ऑलरेडी पहले से ही। क्लॉक घड़ी, घड़ी को यहाँ पे देखते हैं घड़ी है, तो घड़ी ऐसे ही रहता है। ये 12 होता है, 6 हो गया, 3, 9। अब ये जानते हैं कि ये सेंटर है, सेंटर से सुई लगती है। तो ये सेंटर या क्या सर्कुलर है, या एक सर्कुलर शेप है, ये घड़ी एक सर्कुलर शेप है। यानी कि सर्किल का यानी वृत्त का केंद्र जो होता है कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है वृत्त का केंद्र। वृत्त का केंद्र 360 डिग्री है, तो इसका भी घड़ी का भी केंद्र क्या होगा, 360 डिग्री पे होगा। यानी कि कोई सुई 12 बजे से चलते चलते फिर 12 पे आ जाती है तो वो कितना डिग्री कोण बना लेगी, तो आप कहेंगे कि 360 डिग्री का कोण बना लेगी। यानी कि ये सुई 12 से चलते चलते आ गई 12 पे, तो कोई सुई तो वो 360 डिग्री का कोण बना लेगी, ये आप बोल सकते हैं। बट यहाँ पे कंडीशन होता है कि मिनट की सुई बड़ी तेजी से चलती है और घंटे की सुई थोड़ा धीरे धीरे चलती है। घंटे की सुई के चलने का स्पीड कम है और मिनट की सुई के चलने का स्पीड ज्यादा है। यानी कि घंटे की सुई यहां से यहां तक चलेगी तब तक मिनट की सुई पूरी कवर कर लेगी, तब तक मिनट की सुई पूरी कवर कर लेती है। यानी मिनट की सुई घंटे की सुई से 55 मिनट आगे चलती है। यानी कि घंटे की सुई यहां से यहां तक ही चले और मिनट की सुई कितना चलती है, पूरा कवर कर लेती है। तो एक पॉइंट आप बता सकते हैं कि घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच के डिफरेंस कितने मिनट का होता है, तो 5 मिनट का होता है। यानी कि मिनट की सुई घंटे की सुई से 55 मिनट आगे रहती है और घंटे की सुई को कहा जाएगा तो घंटे की सुई मिनट की सुई से 55 मिनट पीछे रह जाती है। यही डिफरेंस होता है, कोई खास डिफरेंस नहीं होता है, यही डिफरेंस होता है और इसी डिफरेंस पे क्वेश्चन बनते हैं। अब रही बात कि इसको हम अगर पार्ट वाइज ड्रॉ कर हाफ कर दे, तो अगर ये हाफ कर दीजिएगा तो अर्धवृत्त यानी कि यहां से यानी कि किसी चीज को आधे करते हैं तो क्या हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। या सेंटर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा, या कितना हो जाता है, 180 डिग्री का। अगर यहीं में हाफ पार्ट इसको और कर दे, ये हाफ सर्कल है, और इसमें हाफ पार्ट कर दे तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। यानी आधे सर्कल को करते हैं तो कितना हो जाता है आपको, 180 डिग्री, और उससे भी हाफ करते हैं तो 90 डिग्री हो जाता है। यानी कि ये वाला पार्ट जो है वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। अब 90 डिग्री में देखिए, यहां से यहां तक की दूरी और ये सारी दूरी क्या होती है, इक्वल होती है। यानी जो 5 मिनट का डिस्टेंस था सब जगह 5 मिनट ही रहता है। 8 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाती है मिनट की सुई, 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी, 1 मिनट में 360 अब बटा 60 कर दीजिएगा तो आ जाएगा 6 डिग्री। यानी कि हो जाएगा मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का। ये फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, यानी 60 मिनट में पूरा चक्कर काटती है तो 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 मिनट में सीधा 60 से भागते 1 मिनट लग गया। यानी यहां से अब यहां भी देखते हैं कि अब ये 5 मिनट का होता है, यानी यहां से यहां तक की दूरी 30 मिनट की हो गई। यहां से यहां तक की दूरी कितने मिनट की हो जाती है, 30 मिनट की। फिर ये दूरी 30 मिनट की, फिर ये दूरी, यानी जितने भी 5 मिनट वाला डिस्टेंस है, यानी 5 मिनट वाला डिस्टेंस कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। 5 मिनट वाला डिस्टेंस कितने डिग्री का होगा,
30 डिग्री का हो जाएगा। अब ये तो हो गया कि मिनट की सुई का हो गया, अब घंटे की सुई, घंटे की सुई यहां से यहां तक चलती है तो वो भी तो 60 मिनट कवर करती है, वो भी तो क्या करती है 60 मिनट कवर करती है। यानी कि वो 60 मिनट में, अब यहां पे दूसरा पॉइंट कर सकते हैं घंटे की सुई के लिए, घंटे की सुई के लिए, घंटे की सुई 60 मिनट में कितना डिग्री, 30 डिग्री ना चलती है। घंटे की सुई 60 मिनट में कितना डिग्री चलती है, 30 डिग्री चलती है। यानी यहां से यहां तक घंटे की सुई आती है या यहां से यहां तक कहीं आती है तो वो तो 30 डिग्री का ही बन रहा है, क्योंकि ये कितना बना आपका 90, इसमें कितना है 3, 1, 2, 3, तो ये 30 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, सब क्या हो जाएगा 30-30 डिग्री का हो गया। यहाँ लिख भी दिए एक मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। तो घंटे की सुई के लिए है कि 60 मिनट में 30 डिग्री, तो एक मिनट में कितना हो जाएगा 30 बटा 60 कर दीजिएगा तो आ जाएगा 1/2 डिग्री। यानी कि घंटे की सुई प्रति मिनट कितना डिग्री का कोण बनाती है, आधे डिग्री का। घंटे की सुई प्रति मिनट कितने डिग्री का कोण बनाती है, आधे डिग्री का कोण बनाती है, याद रखिएगा। यानी अब याद रखिएगा, आपकी मिनट की सुई प्रति मिनट में कितना डिग्री कोण बनाती है, 6 डिग्री, और घंटे की सुई प्रति मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाती है, आधे डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पे पॉइंट हम लिख भी देते हैं, मिनट की सुई 6 डिग्री प्रति मिनट, यानी मिनट की सुई 6 डिग्री प्रति मिनट, घंटे की सुई, घंटे की सुई 1/2 डिग्री प्रति मिनट, यानी कि आधे डिग्री प्रति मिनट। ठीक, ये पॉइंट हो जाएगा क्या, मिनट की सुई 6 डिग्री प्रति मिनट बनाएगी और घंटे की सुई आधे डिग्री प्रति मिनट बनाती है। अब तीसरा पॉइंट करते हैं, मिनट की सुई घंटे की सुई से 55 मिनट, ठीक है, सुई 55 मिनट आगे रहती है प्रति घंटा। मिनट की सुई घंटे की सुई से 55 मिनट आगे रहती है प्रति घंटा, प्रति घंटा कितना मिनट आगे हो जाती है, 55 मिनट की आगे हो जाती है। ये सभी पॉइंट याद रखिएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, टाइम निकालना बहुत इजी हो जाएगा कि कितने जल्दी जल्दी से आप टाइम निकाल सकते हैं उसको। उसके बाद होता है कि घड़ियां होगी तो एक दूसरे के ऊपर भी होगी, प्रत्येक घंटा में होगी क्या, दोनों घड़ियां एक, दोनों सुई क्या होगी एक दूसरे को पार करेगी। कभी होगा कि दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत होगी, जैसे 6 बजता है तो क्या घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दूसरे के सीधे अपोजिट हो जाती है। 3 बजता है तो अब देखते हैं क्या, दोनों सुइयां समकोण पे होती है, यानी एक एल फॉर्म होता है तो 90 डिग्री होता है। तो ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कितने बजे क्या होती है, तो प्रत्येक घंटा में घंटे की सुई और मिनट की सुई एक बार एक दूसरे के अपोजिट हो जाती है, एक बार एक दूसरे के संपाती हो जाती है। और वही कंडीशन हो जाता है कि क्या हो जाता है, उसके बाद वह 12 घंटा में कितनी बार होनी चाहिए, 12 घंटा, 12 घंटा नहीं होगी, वो कितनी बार होगी, 11 घंटा होगी, एक घंटा कम हो जाता है, प्रत्येक के साथ एक घंटा कम हो जाता है। तो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए, हमने लिख भी दिया घंटे के सुई और मिनट की सुई प्रत्येक घंटे में एक बार संपाती होती है या एक दूसरे के ऊपर होती है। संपाती को ही बोलते हैं क्या, एक दूसरे के ऊपर बोलते हैं, तो ये हो गया एक दूसरे पर। तो एक घंटा में वह एक बार, 12 घंटा में कितनी हो जाएगी, 11 बार, और 24 घंटा में कितनी हो जाएगी, 22 बार। 24 घंटा में प्रत्येक सुई क्या होती है, घंटे की सुई और मिनट की सुई 22 बार जो होती है क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर होती है। दूसरा पॉइंट है, एक दूसरे के विपरीत कब होगी, यानी एक दूसरे के विपरीत होती है तो क्या होती है, एक घंटे में एक बार और 12 घंटे में कितनी बार होती है, 11 बार। प्रत्येक घंटे में एक बार और 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 22 बार। इस पे क्वेश्चंस जब देखेंगे तो उस टाइम में और कुछ इसको डिटेल्स करके करेंगे, अभी फिलहाल हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, अभी हम फिलहाल क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा, इसको आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा। इसके बाद फिलहाल हम देखते हैं क्वेश्चंस यहाँ पे डिग्री बेस पे बनाने का क्वेश्चंस कैसे होगा, कि कितने, जैसे यहाँ पे कहते हैं कि 2:20 मिनट,
यानी ये क्वेश्चन आता है 2:20 पे बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। दो बजकर बीस बजे घंटे और मिनट के सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, यानी 2:20। अब यहाँ 2:20 हम कराते हैं, इसमें बजाते हैं 2:20, यानी 20 का मतलब मिनट की सुई कहाँ पे होगी, 4 पे, और घंटे की सुई 2 से आगे होगी, यहाँ पे होगी। ये मिनट की सुई होगी 2:20 और घंटे की सुई यहाँ से थोड़ी आगे बढ़ जाएगी, घंटे की सुई क्या हो जाएगी 2 से थोड़ा सा आगे बढ़ेगी। अब आपको देखिए कि हमने बताया कि यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितने डिग्री की होती है, 30 डिग्री की होती है, तो 30 डिग्री का कोण एक तो बना, 30 डिग्री का कोण बना 2:20। तो यहाँ आप जानते हैं कि 3 और 4 है, ये 4 पे है, तो इसके बीच की दूरी, इसके और इसके बीच की दूरी 5 मिनट का है, ये 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनता है, तो 30 डिग्री तो बन गया। अब देखिए घंटे की सुई यानी यही ना है, ये 20 मिनट चल दी है तो 40 मिनट इसको चलना बाकी है, ये 20 मिनट चल दी तो कितना मिनट इसको चलना बाकी है, अभी 40 मिनट की दूरी कवर करना इसे बाकी है, यानी 40 मिनट का जो है वह कोण में आने वाला है। तो आप जानते हैं कि घंटे की सुई प्रत्येक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, आधे डिग्री का, तो 40 मिनट में कितना हो जाएगा, तो कर देंगे 40 और गुना 1/2, यानी हो गया कितना 30 प्लस इसको काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 20, 50 कितने डिग्री का कोण बनाई, 50 डिग्री का। लेकिन हम लोग यहाँ पे हॉट ट्रिक पे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, हॉट ट्रिक पे करना है, इसमें तो टाइम किल हो जाएगा कि क्लॉक ड्रॉ करना होगा, क्लॉक ड्रॉ कीजिए फिर बनाइए, तब तो बहुत क्वेश्चन का टाइम किल हो जाएगा, तो हम लोग को क्लॉक ड्रॉ ही नहीं करना है, बस करना ही कहा कि 2:20 सीधा इसको मिनट में, ये मिनट में तो इसको भी मिनट में कन्वर्ट करते, इसके लिए क्या करेंगे 5 से गुना, 5 से गुना किया तो 5 25 10 हो गया, 10 हो गया, अब 10 हो गया, और इस 20 और 10 के बीच कितने का अंतर हो गया, 10 मिनट का, ये भी मिनट में मिनट में। अब ध्यान देना है कि अब ये 10 मिनट का अंतर हो गया, अब इस 10 में क्या कीजिए 6 से गुना कर दीजिए, यहाँ देखिए क्या किए, यानी कि इसको मिनट में बनाए तो 10 हो गया, और इसमें क्या दोनों के बीच का अंतर कितना है 10 मिनट का। अब 10 मिनट अब जानते हैं कि मिनट की सुई मिनट में कितना बनाती है 6 डिग्री, तो 10 में 6 से गुना कर 60 डिग्री बन गया। अब यहाँ ध्यान देना है कि इस 20 का ये घंटे की सुई को 20 मिनट कवर किया, घंटा की सुई 20 मिनट दूरी कवर किया है, तो उसका आधा करना है आपको, तो इसका तो आधा करेंगे ही, 60 का आधा कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 20 का आधा कीजिएगा तो 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बट यहाँ पे देखिए अगर इससे यह बड़ा हो जाए, इससे यह बड़ा हो जाए तो माइनस करेंगे, अगर इससे यह छोटा हो जाए तो क्या करेंगे प्लस करेंगे। ध्यान रखना है कि ये वाला मिनट वाला जो टाइम है वह इसको मिनट बनाने के बाद वह बड़ा रहता है तो माइनस करेंगे, और अगर वह छोटा हो जाता है तो क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, कितना हो गया 50 डिग्री, कितना डिग्री का बन गया 50 डिग्री का कोण बन गया। यानी पहले क्या करेंगे इस घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर दिया तो कितना हो गया 5 × 2 = 10, 20 और 10 का अंतर कितना हो गया 10 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री, 10 × 60 डिग्री। अब इसका आधा करना है तो आधा कर दिए तो 10 मिनट तो हुआ, लेकिन माइनस करें या प्लस करें, बस यहाँ ध्यान रखना है कि अगर ये बड़ा है इससे तो क्या करेंगे माइनस करेंगे, कम होगा तो प्लस करेंगे। एक टाइम हम देखते हैं 3:40, सीधा इसको मिनट में कन्वर्ट कर दिए, 5 से गुना कर दीजिए, कितना हो गया 15, और इस 40 और 15 का अंतर कितने का हो गया 25 का। अब ध्यान देखिए ये भी बड़ा है ये छोटा है, तो यहाँ भी क्या करेंगे घटाएंगे, तो 25 गुना कीजिए सीधा, यहीं पे कर देते 25 × 6 = 150, 150 हो गया। अब इसका क्या करना है आपको, आधा करना है, माइनस 20, 130 कितना हो गया 130, यानी ये क्या इसको पहले 5 से गुना किए 15 आ गया, 40 और 15 का अंतर कितने का हो गया 25 का हो गया, और 25 में 6 से गुना कर दिए 150 डिग्री हो गया, लेकिन इसका आधा करना है, इस 40 का आधा करना है, तो 40 का आधा करेंगे ये बड़ा है इससे तो क्या करेंगे माइनस करेंगे आधी करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 8:50 या 8:20 कर दीजिए, 8:20 तो सीधा इसमें गुना कीजिए 8×5 = 40 हो गया, इसका अंतर कितने का हो गया 20 डिग्री का। अब 20 में क्या कीजिए 6 से गुना कर दीजिए 120,
120 हो गया, अब यहाँ करना इसका आधा करना है तो उसका आधा 10 हो गया, लेकिन करेंगे क्या, ये छोटा है इससे तो प्लस कर देंगे 130, यानी 8 में 5 से गुणा किए कितना हो गया 40 हो गया, और क्या करेंगे इनका अंतर निकाले 20 6 20 7, अब इसका 120 प्लस और इसका आधा करना है तो 10 तो किए लेकिन प्लस करिए माइनस, तो ये देखते हैं कि ये छोटा है इससे तो प्लस कर, एक टाइम है 9:30 तो सीधा इसके इसमें 5 से गुणा कीजिए तो 45, इसका अंतर कितना होगा 15, 45 और 30 का अंतर 15 में 6 से गुणा किए कितना हो गया 90 हो गया, अब इस 90 का क्या करना है आधा करना, तो इसका आधा कर दिया लेकिन करेंगे क्या जोड़ेंगे या कटाएंगे प्लस या माइनस, तो ये छोटा है तो प्लस कर दीजिए 105 डिग्री, 9 में 5 से गुणा किए 45 आ गया, 30 15 6 का 90 हो गया, और 90 इसका तो आधा कर दिए 15, और ये क्या करना ये बड़ा है ये छोटा है तो क्या प्लस का साइन पर देखिए 7:15, इसमें 5 से गुणा कीजिए 7:25 हो गया, इसका अंतर किए तो कितना हो गया 20 में 6 से गुणा कर दिए 120 हो गया 120, और इसका तो आधा करेंगे तो 7.5, इसका आधा करेंगे 7.5, तो क्या करिए बड़ा है ये छोटा है तो क्या करना है प्लस करना है, ये बड़ा है तो कितना हो जाएगा 127.2 डिग्री, 127 यानी 7 से 5 से गुना के 7:35, 15 और 35 का अंतर हो गया 20 6 20 7, 1 मिनट में 6 डिग्री तो 20 में 6 से गुना 120, और इसका आधा करिए तो आधा 7.5 हो गया 15 का 120, अब एक जोड़ना क्या ये तो बड़ा है तो जोड़ेंगे, अगर ये बड़ा होता तो घटाते 127 डिग्री, एक देखिए टाइम 3:30, तो इसमें 5 से गुना कीजिए 3:15, इसका अंतर कितना हो गया 15 डिग्री का, 15 और 30 का अंतर 15, 600 तो गुना करना ही है 15 6 का 90 हो गया, और इसका आधा करना है तो 15 तो करिए दिए प्लस करें या माइनस, तो ये छोटा है ये बड़ा है तो माइनस कर दीजिए, 90 में 15 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 75 डिग्री, 75 डिग्री का कौन बना कितना डिग्री का कौन बना 75 डिग्री, यानी कि 3 में 5 से गुना किए 15, 30 और 15 का अंतर किए 15, 15 में 6 से गुना किए 90 डिग्री, 90 इसका तो आधा कर दीजिए, अब माइनस करें या प्लस करें ये छोटा है ये बड़ा है तो माइनस करना है 75 डिग्री होगी। एक देखिए क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला, 2:10 सीधा 5 से गुना किए 5 × 10, अभी देखिए 10 और 10 हो गया, 10 10 का अंतर 0 हो गया, 0 में 6 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 0 डिग्री, बस यहाँ क्या कोण नहीं बनेगा, यहाँ भी कोण बनेगा, इस 10 क्या कर दीजिए आधा 10/2 किए कितना हो गया 5 डिग्री, यानी यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनता है 5 डिग्री का कोण बनता है, 2:10 में 5 से गुना किए 10, ये दोनों समान हो गया यानी कि 0 हो गया, 0 में 6 से गुना किए 0 हो गया, ये तो क्या कोण नहीं बनेगा, कोण बनेगा क्योंकि इस मिनट का आधा करना है, मिनट का आधा किए 5 डिग्री, तो ये क्या हो गया 5 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पे भी कोण बनेगा, ऐसा नहीं है कि कोण नहीं बनेगा, यहाँ पे भी कोण बन रहा है। एक क्वेश्चन देखते 4:20, तो इसमें भी 5 से गुना कीजिए कितना होगा 4×5 20, और इस 20 का अंतर होगा 0, फिर 0 डिग्री 0 6 0 डिग्री, तो क्या भी कोण नहीं बनेगा, सीधा यहाँ कीजिए इस मिनट का तो कोण बनेगा ना 20/2, कितना हो गया 10 डिग्री, कितने डिग्री का कोण बना 10 डिग्री, 5 से गुना के 20 से दोनों समान हो गया, देखिए 0 डिग्री हो गया तो 0 डिग्री होता है, इससे कोण नहीं बनेगा, जो मिनट वाला चल रहा है तो घंटे की सुई चल रही है ना तो उसको हम बना देंगे, तो घंटे की सुई क्या चल 10 डिग्री, तो 10 डिग्री का कोण बन गया, तो देखिए 6 30, तो इसमें सीधे 5 से गुना कीजिए 6×5 30, 30 30 क्या होगा 0 डिग्री, तो सीधा इसका आधा कर दीजिए 30/2 कर दीजिए कितना हो गया 15 डिग्री का कोण बन गया, कितना डिग्री कौन बना, ऐसे ही आपको टाइम देखते ही पता चलेगा 6:30 हो रहा था लेकिन 0 हो रहा है तो सीधा मिनट वाले को कर दीजिए आधा कर दीजिए वो बन जाएगा 15 डिग्री का कौन, यही ना आप एक नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिस वीडियो में हम आपको दिखा देंगे कि कौन सा क्वेश्चन वो कितने बजे संपाति होती है, कितने बजे विपरीत होती है, कितने बजे संपूर्ण पे होती है, उसको फिलहाल इस पे आप लोग क्या कीजिए प्रैक्टिस अच्छा से कीजिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, जो नहीं सॉल्व होगा वो बताइएगा फिर बताएंगे, ठीक है।